कि हम समुद्र में रहते हुए भी प्यासे क्यों रह जाते हैं, यह अनोखा खेल कैसा है? यह अनोखा खेल वास्तव में अनोखा है, जो नहीं होना चाहिए वह हो रहा है। कबीर साहब उलटवासियों की बात करते ना, कि जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। कहते हैं पानी में मीन प्यासी, मुंह देखत आवत हंसी, कहते हैं बड़ी हंसी आती है। मछली पानी में है और प्यासी है, ये वास्तव में मछली के बारे में नहीं, हम मनुष्यों के बारे में ही है। हम परमात्मा के सागर में, आनंद के सागर में, शांति के महासागर में हैं। विराट शून्यता हमें घेरे हुए है, वही हमारे भीतर भी मौजूद है, और हम खोजते फिर रहे हैं कि कहाँ है परमात्मा, कैसे हम शून्य हो जाएं। जरा कल्पना करो, एक मछली सागर में जन्मी, सागर में बड़ी हुई, सागर ही उसका जीवन है, सागर के बाहर एक क्षण जिंदा भी ना रह सकेगी। उसे कैसे पता चलेगा कि सागर है? हम वायुमंडल में जीते हैं, क्या हमें पता चलता है कि वायुमंडल है? पता ही नहीं चलता। क्या हमें पता चलता है ऑक्सीजन है? यदि वैज्ञानिकों ने नहीं बताया होता, हमें कभी नहीं पता चलता कि ऑक्सीजन है। हम पैदा उसी में हुए, पैदा होते से पहली सांस उसी में ली, पूरी जिंदगी सांस लेते रहेंगे, मरते दम आखिरी सांस उसी वायुमंडल में छोड़ेंगे, उसका एहसास नहीं होगा। जो सदा है उसका अनुभव होना बंद हो जाता है, जो सदा नहीं है कभी कभार होता है उसका हमें पता चलता है, जो आता है और जाता है। हमारा हृदय धड़क रहा है, हमेशा धड़क रहा है, पता ही नहीं चलता। जन्म के पहले से धड़कने लगा था, मरते दम तक धड़केगा, एक सेकंड को कभी बंद नहीं होता, लेकिन उसका हमें पता नहीं चलता। भीतर खून बह रहा है, कोई 5 लीटर खून प्रति मिनट बह रहा है, सिर्फ 300 साल पहले पता चला इस तथ्य का। इसके पहले तक सारी मनुष्य जाति मानती थी कि हमारे शरीर में खून ऐसे भरा है जैसे किसी चमड़े के बैग में कोई लिक्विड पानी भरा हो, और कहीं से भी पिंच उठाओ खून बाहर निकलने लगता है, भीतर भरा हुआ है। सिर्फ 300 साल पहले पता चला कि लगातार सर्कुलेट हो रहा है, निरंतर प्रवाहमान है, एक सेकंड को भी कभी रुकता नहीं। लेकिन जो चीज निरंतर बह रही है बिना कोई शोर शराबा किए, बड़े स्मूथ वे में, हमें उसका पता नहीं चलता। तो ठीक ऐसे ही हमें परमात्मा का एहसास नहीं होता, क्योंकि वह है, सदा है। तो ये खून बहना और हृदय का धड़कना तो जन्म के पहले शुरू हुआ था। जितनी आपकी उम्र है उससे ज्यादा आपका हृदय धड़क चुका, क्योंकि आप उम्र काउंट करते हो डेट ऑफ बर्थ के बाद, ये तो उससे पहले से धड़क रहा है। पता कैसे चले? परमात्मा तो जन्मों 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 से पहले है, अभी है, सर्वव्यापी और सदा सदा रहेगा। हम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा का अर्थ है जो है। सच पूछो तो यह कहना ठीक नहीं कि परमात्मा है, गॉड इज, इसमें भूल हो गई, क्योंकि इज का मतलब ही होता है गॉड, है यानी परमात्मा। जो हम कहते हैं परमात्मा है, तो हम ऐसा कह रहे हैं परमात्मा परमात्मा, वो तो है का पर्यायवाची है। गॉड इज कहना गलत है, उसका तो मतलब हुआ गॉड गॉड, दो बार कह रहे हैं, सिनोनिमस इन दोनों वर्ड, एक ही अर्थ हुआ। इसलिए जो सदा सदा है उससे हम चूक जाते हैं। अब विधि क्या होगी उसे जानने की? उसके प्रति सजग होना शुरू करो जो है, दैट विच एग्जिस्ट। मछली को तो फिर भी सागर के बाहर निकाला जा सकता है,
गरम रेत के तट पर वो तड़पे छटपटाए, उसको फिर से पानी में डाला जा सकता है, तब उसको सागर का एहसास होगा। एक बार बिछुड़ जाए तब पता चलेगा। लेकिन परमात्मा के बाहर तो हमें कभी नहीं निकाला जा सकता। वह तट, रेत का तट भी उसी में आता है जो है। तो मछली को तो सागर के बाहर निकाल सकते हैं, फिर उसको सागर का एहसास हो जाएगा, लेकिन हमको कभी भी इस जीवन रूपी सागर, अस्तित्व रूपी सागर के बाहर नहीं निकाला जा सकता। इसलिए वो घटना तो हमारे जीवन में कभी नहीं घटेगी। अब तो हमें ही जो मौजूद है उसके प्रति अपनी संवेदनशीलता को, सजगता को बढ़ाना होगा। इसी का नाम ध्यान की साधना है। अगला सवाल है,